हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्र बंधु, मैं हूं आपका सपन सिंह जादौन और आप देख रहे हैं यूट्यूब कुंवर जी या फिर आप देख रहे होंगे फेसबुक कुंवर जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पहले तो फॉलो कर लो फेसबुक को और सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब को, तो इससे पहले कि वीडियो ज्यादा आगे बढ़े और आज टाइम ज्यादा बेस्ट हो, तो इससे अच्छे से पहले इनकी बैंड बजा लेते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं किसकी, नगरपालिका वालों की। आपको याद ही होगा मैंने पीछे जो वीडियो बनाई थी इससे पहले नगरपालिका वालों की, किस तरीके से मैंने उजागर किया था वो लोग क्या तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। काम न करने के बावजूद अगर कोई पब्लिक उनको शिकायत करती है तो उनके साथ ये लोग क्या करते हैं, ऐसे बंदों के साथ ये लोग मेरे को गाली दिलवाते हैं। क्यों दिलवा रहे हो ना? अब तू बना रही हो चाहे नगरपालिका को अध्यक्ष, चाहे बना रही हो कि तुमको तू मंत्री विधायक, गाली दिवाई ना देना, मोहते बैंड बज गई ना तुम्हारी, औखा याद आ गई ना तुम्हें, पता चल गया ना कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूं, कि हाँ पब्लिक परेशान है, हमको चूतिया है, पागल है, हम बिना फालतू की वीडियो बना रहे हैं तुम्हारे लिए, दिमाग नहीं हमारे को, जब हम परेशान होंगे तभी तो हमने शिकायत करी, फोन करके बोला तुम्हें, तुमको मैंने स्पेशल वीडियो भेजी, मैंने बना के भेजा, कहा बिना मुझे निवेदन करके कि देख लीजिए आप चुनाव के टाइम पे तो आ जाते हो, अब देख लीजिए। रिक्वेस्ट कर चुका हूँ पार्षद जी, वार्ड नंबर 7 के हो, इसको थोड़ा यार ध्यान दो, ये गाड़ी यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं अपने घर से, ये कचड़ा पूरा निकल रहा है, नौ देवी का टाइम चल रहा है यार, सब बाल बच्चे गंदे पैरों से अंदर जाते हैं, ये नाली वगैरह थोड़ा साफ करवा दो यार, के पास में यहाँ जो नाला है यहीं देखो कितनी नाली भरी पड़ी है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, ये बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, इससे बीमारी फैल रही है, मच्छर हो रहे हैं, इनको थोड़ा साफ सफाई करवाइए, चुनाव के टाइम पे तो आ जाते हैं आप लोग, है ना। कितनी परेशानी है, सुनी आपने, किसी ने भी सुनी, कोई आया यहाँ पे देखने के लिए आया, और ये वार्ड पार्षद तुम आए थे वहां पे देखने के लिए, तुम्हारे घर जाके वीडियो बनाई थी मैंने, घर जाके वीडियो बताई थी, देख लो ये क्या हो रहा है, आए थे तुम लोग, और जिस दिन आए उस दिन मैंने बड़ी तरीका से सम्मान साहब से मैंने बात किया। मैं आपको बता दूं ये पार्षद जी हैं, जैसे मैंने वीडियो देखो, अगर किसी इंसान की अगर बुराई करते हैं तो अच्छाई भी करना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने शेयर भी किया, शायद इन तक भी पहुंच गई, आपको पहुंच गई थी वीडियो, कब पहुंच गई थी, कल देखी थी, तो ये हमारे पार्षद हैं गली के, इन्होंने वीडियो जैसे ही देखी ये तुरंत एक्शन इन्होंने लिया, और ये हमारे सफाई कर्मचारी हैं। भाई साहब आज अकेले एक ही दिन होगी या रोजाना होगी सफाई? रोज होगी ना, पक्का, देखो वीडियो सबूत है इसका, रोज ही होगी, आदमी लगे हमें, बस तो आप है ना, आप रोजाना सफाई करें, झाड़ू रोज लग रहा है, नहीं लग रहा भाई साहब, कहाँ लग रहा है? अच्छा आप हमें बताओ, यहाँ पे मैं अकेला झूठ बोल रहा हूँ, आपका सफाई कर्मचारी साथ में आता है? चलो ठीक है, करवा देंगे। चलिए, इस चीज का मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरी वीडियो को पहुंचाया जन जन तक, जिसने देखा और ये एक्शन भी तुरंत लिया, बहुत बहुत धन्यवाद पार्षद जी आपको, उम्मीद है आपको अगली बार भी चांस जरूर मिलेगा। और बात किया उसके बाद, अपने बंदों से गाली दिलवा रहे हो, गाली दिलवा रहे हो, आओ अब दो तुम गाली, अब तुम्हें पता चलेगा गाली देने का मतलब क्या है, ठीक है ना, इसको इस शकल को देख रहे हो, ये शकल किसकी है पहचान लो पहले तो, सारे लोग ये जो शकल दिख रही है आपको, इस शकल को पहचानो, गाली दे रहा था ना बेटा तू, कि यही है साला मादर चोद पोलाना ठिकाना, जो कुछ भी तूने बोला था, हाँ शुक्र कर उस टाइम पे घर पे मैं नहीं था, मैं थोड़ा आगे निकल गया था और सफाई दिखाने के लिए, देखो यहाँ पे सफाई। शुक्रिया पब्लिक आपके लिए यार, तहे दिल से यार मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ यार, आप लोगों ने मेरी इतनी सारी बात सुनी और हमारी गली में आज सफाई हो रही है, बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देख के, बस यही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप यार सपोर्ट बनाए रखिए यार, भाई भाई कुछ भी करें ना तो बस आप बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो, मैं जो कुछ करता हूँ जनता के हित में करता हूँ, मैं ना अपने पर्सनल कुछ करता हूँ। हाँ अब ये गंदगी है, अभी थोड़ी देर में सफाई हो जाएगी, और आप देख रहे हो पहले सिर्फ एक आता था, एक वो भी बहरा गूंगा सा ऐसे ही आके, क्यों अंकल एक ही आता था, आके जगह जगह इकट्ठा करके रखा चल जाता भैंस, उसके बाद पानी वो गंदगी उसी में वापस चली जाती थी, आज से पब्लिक ही पब्लिक आई है। चलो इस चीज़ को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, आए तो सही, सुनवाई हुई तो बहुत बढ़िया लगा आपको, बस इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिए, सफाई करो कल के, हाँ तू सफाई करते करते आके मेरे द्वार पे गाली दे रहा है, औकात इतनी होगी तेरी गाली देने की, हिम्मत देखो इस बंदे की, हाँ आके गाली दे रहा है, मेरी बीबी वहां पे बात सुन रही है, मेरी बीबी की बात सुनो पहले, क्या सुना उसने बताइए, थोड़ी क्या बात कही ना कह रहा था कि ये मादरचोद जी लग रहा पहना को ना वो प्रसिद्ध जो ये वो का
ऐसा लग रहा चला जैसे जो एंग हो गए प्रसाद। ठीक है आप लोग सुन रहे हो, अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अब आ जाओ तुम, कितने गाली देने वाले हो, कितने तुम मारने वाले हो, कितने बड़े तुम 30 मार खाओ, हाथ लगा के दिखाइयो अब। ठीक है अब तो, अब तक तो मैंने अपने गली की दिखाई थी, अब पूरे कैलारस की दिखाऊंगा, अब जहां जहां तुम्हारी मिस्टेक है वहां दिखाऊंगा। ठीक है फिर चाय बना रहे पार्षद बना रहे, चाय भाई नगर पालिका का अध्यक्ष तू सिंटू तू ही बना रही है भले ही, और फिर चाय बना रहे अपना एमएलए विधायक साहब, ठीक है उसका तो खैर मैटर ही क्या है, फिर भी बना रहे, लगा के दिखाओ अब तुम मुझे हाथ, केस करो मेरे ऊपर, अब तुम्हें गाली का मतलब पता चलेगा, तुम्हारे आदमी आके गाली देंगे, आओ गाली दो तुम देखते हैं कितने बड़े तुम गाली दी भैया हो, कितने बड़े तुम 30 मार खाओ, है ना, आओ गाली दो आके, अब तुम्हारी एक 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 सच्चाई, एक एक बात, एक एक चिट्ठी सी चिट्ठी निकाल के मैं तुम्हारी बताऊंगा, अब हो तुम्हारे में दम तो रोक के दिखा देना। ठीक है और हाँ तुमने जो अभी जो लास्ट में किया ना मेरे साथ, ये जो मेरे खाली मेरे द्वार भी छोड़ दिया था, मतलब स्पेशली मुझे एक टारगेट करके, है ना, नहीं है ना यकीन, देखो ये वीडियो, ये देखो कचरा है, ये नली अगर ये लोग चाहते थे तो इसको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-3 इंच 4 इंच ये जो गिट्टियाँ हैं यहाँ से निकल जाती तो कम से कम ये जो रोड पे पानी आ रहा है ये तो नहीं आता, हाँ ये जो गंदगी आ रही है ये तो नहीं आती मेरे ही द्वार पे। अब देखो दूसरा सबूत, पता चल गया मेरे ही द्वार पे छोड़ के गए, ठीक कोई बात नहीं, मेरे मोहल्ले की तो ही, मेरी पूरी गली की तो ही, कोई बात नहीं मत करो, लेकिन अब इतना ध्यान रख लेना कि मैं अब चुप बैठने वाला नहीं हूँ, अगर ये बंदा चुपचाप से आके अगर मेरी बीवी से माफी नहीं मांगा, अगर ये तुरंत इन्होंने इस पे एक्शन नहीं लिया, मैं चुप नहीं बैठूंगा भाई, कसम भवानी की खा रहा हूं, अब बैंड बजा दूंगा मैं, अब तो चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो सुविधार क्यों नहीं आ जाए, फिर कोई भी आ जाए, अब तो एक एक खोल के बताऊंगा, मार देना तुम तो मुझे, केस कर दियो जाके, कर दियो केस, जेल में डलवा दियो। ठीक है अब ऐसी बनेगी वीडियो, इसी तरीके से बनेगी। पब्लिक तुमसे बस कहना चाहता हूँ यार, मेरी मेरी पावर हो आप, मेरी ताकत हो आप लोग बस सपोर्ट करते रहना यार, फिर तो मैं एक एक दुनिया की कितनी बड़ी ताकत आए ना उससे लड़ लूँगा, बस आपका सपोर्ट कम नहीं होना चाहिए, बस आप पब्लिक हो मेरे साथ, मैं बस इतना ही कहूँगा, आप बस सपोर्ट बनाए रखना, और अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और दूसरी बात अगर आप Facebook पर देख रहे हो तो फॉलो का बटन कर लेना, ओके, ताकि मैं जब भी कोई पोस्ट या कोई वीडियो आपको डालूं तो आप जल्द से जल्द उसे देख के उसको मेरी आवाज़ और ऊपर तक पहुंचा सके, बस इतना ही कहना चाहूँगा पब्लिक आज के लिए, और आपका भाई फिर मिलेगा किसी और नई वीडियो में, हो सकता है इनकी फिर से बजाते हुए मिलेगा, बचना है दिखना है तो फिर कल की कल, आज की आज, आज तो क्या क्या होगा, कल की कल में वो बंदा सामने होना चाहिए, या उसको सीधे सीधे मेरी बीवी से आके माफ़ी मांगनी होनी चाहिए, अगर माफ़ी मांग लेगा तो ठीक है, नहीं मांग लिया तो फिर ये जंग का ऐलान हो गया आज, तुम लोग मेरे को किस तरीके से कर सकते हो कर लो, मैं तुमको दिखाए बिना मानूंगा नहीं, राम राम।